हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने कोरियन लीग फुटबॉल का, जेएनबी वर्सेस जीडब्ल्यूएन के बीच 1:34 के बाद गाइस। एंड इस मैच की फाइनल टीम जो मिलेगी वो लाइनअप्स के बाद आपको पोस्ट होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एबी रॉक टीम 11 टीम। जिस चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, फटाफट जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, बात करें इस मैच की, देन जेएनबी वर्सेस जीडब्ल्यूएन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिसके फेवर में आपने जाना है वो टीम है जेएनबी। गलती से भी जीडब्ल्यूएन के फेवर में मत चले जाना, नहीं तो गाइस अच्छा नहीं, मतलब लॉस हो सकता है। इसलिए मैं ये राय दूंगा कि जेएनबी टीम इज़ अ वेरी गुड टीम। बात करूँ सबसे पहले गोल कीपर की, देन एलजिन को लूँगा यहाँ पे। ली जिन हियोंग के बारे में जानते होंगे, अभी तक प्रीवियस मैच के अंदर इसने जेएनजीडब्ल्यू के खिलाफ वापसी की थी। वैसे जो इसकी जगह प्लेयर खेल रहा था वो था बी यून, वो ठीक ठाक खेलता था, बट अभी जो बेस्ट प्लेयर मेरे को लगा वो एलजिन हियोंग ही लगा फर्स्ट प्ले के अंदर। बात करें अगर हम डिफेंडर की, देन यहाँ से लूँगा एच जियोंग हो को। अब एच जियोंग हो ऑलमोस्ट कई बार इसका ड्रीम टीम में नाम नहीं आता, मतलब काफ़ी बार ही नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी कम देते हैं, क्लीन शीट के बावजूद भी इसके पॉइंट जो होते हैं ना काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता। मीन्स इंस्क्रिप्शन टैकल्स वगैरह करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, एक दो से कुछ नहीं होता। फिर भी कोई बात नहीं, रिस्क ले रहे हैं अपन लोग। दोबारा आगे से बात करें एलमिन की, देन एलमिन की को मैं मजबूरी में ले रहा हूँ, एक्चुअली पिछले मैच में गोल किया, मैं उस कारण नहीं ले रहा। एक्चुअली ये तो पिछले मैच में खेला भी नहीं था, ये तो पिछले मैच में जब इसने गोल किया था तब सब्स्टिट्यूशन था गाइस। बट आज क्या है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब अगर मैं मिडफील्डिंग पे भी जोर देता हूँ तो फ़ायदा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे चुना है डिफेंडर। एंड आगे से बात करें के मिन ह्योक की, देन के मिन ह्योक इज़ एन एवरेज प्लेयर। मतलब देखो, ना अच्छा बोलूँगा इस प्लेयर को और ना बुरा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये प्लेयर है एवरेज, मीन्स ना ज़्यादा चलने वाला ना कम चलने वाला। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे लूँगा एलियो ह्योन को। देन ली योन ह्योन इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, अभी तक दो मैचेस जो खेले थे आईएलसी एंड डीएई के सामने, जिसमें कि एवरेज रहा। और आगे से बात करें मिडफील्डर की, देन यहाँ से लूँगा एम्बेरो को। तो एम्बेरो मैं आपको बता दूँ पिछला मैच नहीं खेला था और काफ़ी बार सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, लेकिन अभी हालांकि एक मैच हुआ था चार से पाँच दिन पहले इसी हफ्ते हुआ था, जिसमें कि एम्बेरो खेला था और गोल भी किया इसने। तो उस चीज़ को ना नज़रअंदाज करते हुए मैं इस प्लेयर को ले रहा हूँ, आई थिंक ये अपनी वापसी आज कर ले। बात करें आईरियस की, देन यहाँ पे आईरियस को तो छोड़ना बनता ही नहीं, जितना मर्जी क्रेडिट इशू हो जाए लेकिन आईरियस को छोड़ोगे तो चांस कम है फिर, क्योंकि कई बार ये गोल कर देता है भाई अनएक्सपेक्टेड। एंड आगे से बात करें एस्मिन क्यू की, तो यहाँ पे एस्मिन क्यू को ट्राई कर लिया, ऑप्शन नहीं थी। मैंने आपको बताया ना कि डिफेंडर भी बहुत सर्च करने के बाद मेरे को जेएनबी का फोर्थ डिफेंडर नहीं मिला, शायद मैं इसको ड्रॉप कर दूँ इस प्लेयर को, अभी के लिए सेव एंड वेट कर लीजिए। बात करें स्ट्राइकर की, देन यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर जिसका नाम है एस इल्जुस्चेंको। तो पिछला मैच तो नहीं खेला था लेकिन लगता है कि इसकी वापसी हो सकती है, वापसी नहीं हुई तो और भी फायदा है, क्रेडिट बच जाएंगे अपन लोग, अनदर प्लेयर ट्राई करेंगे। और जो अभी तक पेनल्टी टेकर है वो है गुस्चा, वो हैनरिक, इसको तो छोड़ना बनता ही नहीं, ये पेनल्टी टेकर है, गोल भी कर सकता है आज के मैच में। आगे से बात करें एओम की, देन जे एओम को मैं एज एन एवरेज प्लेयर ट्राई कर रहा हूँ। पिछले मैच में मैंने आपको बोला था ना एओम को ट्राई करना, कहीं उन्हें छोड़ दिया था। आगे से बात करें कैप्टन की, देन कैप्टन अभी के लिए जो रखा है वो एस इल्जुस्चेंको एंड वाइस कैप्टन वॉज हैनरिक। अगर एस इल्जुस्चेंको नहीं खेलता देन कैप्टन रखना हैनरिक को एंड वाइस कैप्टन एम्बेरो को, बट अभी के लिए आप सेवन वेड इसी को करिए, क्योंकि मेरे को जो लगता है कि अगर एस इल्जुस्चेंको ना खेला तो हैनरिक अपनी तगड़ी फॉर्म दिखाएगा। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।